हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोनी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना फेवरेट डीआईवाई शेयर करने वाली हूं और इसके लिए ले लिया है मैंने ये एमडीएफ का सर्कल और उसके ऊपर जेसो से कोट कर दिया है मैंने। और उसके बाद सेम सर्कल इस तरीके से कट करेंगे जिस साइज़ का हमने एमडीएफ लिया है उसी साइज़ का, और इस तरीके से फोल्ड करके कट करके हम उससे सेंटर निकाल लेंगे और लाइक जो भी हमारा एमडीएफ का है उस पर हम मार्क कर लेंगे। तो हमें सेंटर मिल गया है। उसके बाद जो भी आपको डिज़ाइन बनाना आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। उसके बाद लिया है मैंने ये मोल्डेड क्ले और दोनों ही कंपोनेंट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने थोड़ा डिज़ाइन चेंज कर दिया था और क्ले को मिक्स करके रख लिया था, तो वो थोड़ा टाइट हो गया था जब तक मैंने पूरा डिज़ाइन कंप्लीट किया, तो बहुत ही मुश्किल से फिर मैं उसको यूज़ कर पाई हूँ। तो एक ये मैं आप लोगों के साथ टिप्स कह सकते हैं आप ये शेयर करूँगी कि क्ले को जब भी इस तरीके से हम मिक्स करके रखते हैं तो उन्हें उसे ना तुरंत ही यूज़ कर लेना चाहिए, अदरवाइज़ थोड़ी देर भी अगर हम उसे रख के कुछ और काम करने लग जाते हैं तो वो टाइट होने लग जाता है। तो आई एम श्योर कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का ये आर्ट फेवरेट आर्ट होगा, तो मेरा भी ये फेवरेट में से एक है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैंने बहुत सारे इस तरीके से ना अभी बनाए, बहुत सारा मैं एमडीएफ का लेकर आई थी इंडिया से अलग अलग साइजेस में, तो उस पर मैंने ये किया है। और जितने भी मेरे पीस बचे हुए हैं शायद मैं यही बनाऊंगी, बट मेरे क्ले ख़त्म हो चुके हैं। लाइक ये वाला मोल्डेड क्ले ना यहाँ पर मिलता नहीं है सेम ब्रांड का, जो लिपन आर्ट के लिए ये क्ले बेस्ट लगता है तो ये यहाँ पर अवेलेबल नहीं, लाइक यहाँ ये मिलता ही नहीं है शायद ये इस ब्रांड का, तो ये मेरे लिए एक मुश्किल है। और इस बार जब मैं गई थी तो मेरे ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा लेट आए थे तो नहीं लेकर आ पाई मैं। उसके बाद अगेन मैं इसमें एक और डिज़ाइन ऐड कर रही हूँ जो ये इस तरीके से ये जो पेटल के शेप में मैंने बना के रखा हुआ था। तो कई बार ऐसे क्ले का काम करते हैं ना तो बच जाने के बाद मैं इस तरीके से बना के रख देती हूँ तो कभी भी वो किसी और डीआईवाई में यूज़ हो जाए, वही मैंने यहाँ पर स्टिक कर दिया। एंड पूरे पे लाइक क्ले सूखने के बाद मैंने जेसो का एक कोट किया और उसके बाद वाइट कलर से भी एक कोट किया है ताकि एक अच्छा वाला बेस आ जाए। और हाँ, जब भी हम क्ले का काम करते हैं ना तो थोड़ा सा बेस तो डर्टी हो ही जाता है, तो वो भी हाइड हो जाता है और एक अच्छा साइज से बेस कोट मिल जाता है। और उसके बाद कलर कॉम्बिनेशन आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो मेरे पास ये पेस्टल शेड मैंने ग्रीन में वाइट मिक्स करके बनाया है। आप चाहें तो इस तरीके से पूरा पेस्टल शेड का पूरा सेट आता है, चाहे तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। हालांकि मैंने अभी तक उसे यूज़ नहीं किया क्योंकि जैसा आप लोगों को पता है मैं दूसरी कंट्री में रहती हूँ और जब मैं इंडिया गई थी तब मैं वो सारी चीज़ें नहीं ले पाई, बट लोगों को मैं यूज़ करते हुए देखती हूँ ना वीडियोज़ वगैरह में, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद थोड़ा डार्क कलर ये बनाया मैंने और जो भी जहाँ पर भी जो डिज़ाइन मुझे हाईलाइट करना था वहाँ पर मैंने इसे यूज़ किया है। तो ये कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा कह सकते हैं, बट कभी कभी हो जाता है कि जब आर्ट पीस आप बनाने बैठते हैं कभी कभी बहुत ही अच्छा लाइक एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा बन जाता है और कभी कभी सो टाइप। तो वो ही था मेरे लिए, जो बैकग्राउंड का वो लाइट ग्रीन कलर है वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, शायद उसके साथ मुझे कोई और कलर लेना चाहिए था जहाँ पर मैंने ये पीच कलर लिया है। तो इसको भी मैंने मिक्स एंड मैच करके बनाया था और कलर सूखने के बाद पूरे पे मैंने एक कोट वार्निश का किया है, एक या दो कोट आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद लिए हैं मिरर्स और मिरर के साथ ही ये ग्लू आया हुआ था फैब्रिक ग्लू, उससे ही मैं इस पर स्टिक कर रही हूँ। और एक और चीज़, जो ये डायमंड शेप वाले मैं लगा रही हूँ ना, आधे में ही ये ख़त्म हो चुका था। मुझे लग रहा था स्टार्ट करने से पहले कि ये थोड़े से हैं, बट मुझे लगा ये छोटा सा सर्कल है हो जाएगा, बट हुआ नहीं, तो फिर बाद में मैंने गैपिंग बढ़ा दिए हैं।
तो ये सारी चीज़ें आप भी यूज़ कर सकते हैं कि जब इस तरीके की प्रॉब्लम आए तो उसको किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो मैंने ना मिरर्स के गैप बढ़ा दिए और डिफरेंट डिफरेंट शेप का इस तरीके से लेके और इसको मैंने इसके ऊपर स्टिक कर दिया। और छोटे वाले जो मिरर्स दिख रहे हैं उसको मैंने उसके जगह पे बीड्स यूज़ किया है क्योंकि वो भी ख़त्म हो चुके थे। तो कैसा लगा ये DIY आपको, आप कॉमेंट करके ज़रूर बताना। बनने के बाद तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये मुझे कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा कम अच्छा लगा, आप बताना आपको कैसा लगा। नेक्स्ट DIY के लिए अगेन मैं ले रही हूँ ये MDF का सर्कल और इसके ऊपर मैंने इस तरीके से जैसो से कोट कर लिया है और इसमें होल्स नहीं थे तो वो दो होल मैंने बनाया है इसमें क्योंकि मुझे ये हैंगिंग बनाना था इसलिए। और सेम मैंने इस तरीके से पेपर से एक सर्कल कट कर लिया और कट करके इसका सेंटर निकाल लिया है और उसके बाद सर्कल ड्रॉ कर लिया। तो ये बहुत ही इजी वाला है, इसे कोई भी बना सकते हैं, लाइक जिनके आर्ट स्किल्स बहुत अच्छे नहीं हैं वो भी बना सकते हैं। ये बहुत ही आसान और अपने घर को आप अपने मन चाहे कलर से इसे डेकोरेट कर सकते हैं, अपने घर को सजा सकते हैं। अपने हाथ की बनी हुई चीज़ों की बात ही कुछ और होती है और कोई भी इसे बना सकता है। अगेन इस पे मोल्डेड क्ले से ही मैंने दोनों सकल बना लिया है। और हाँ, जो इस बार मैं जैसो यूज़ कर रही हूँ ना, ये थोड़ा सा काम इसने मेरा इजी कर दिया। लाइक होता तो ये मैट फिनिश सा है और इसकी स्मेल ना जैसे वॉल वाले प्राइमर्स होते हैं ना वैसे से हैं जो ये जैसो यूज़ कर रही हूँ मैं, बट ये बहुत अच्छा सा है। ये जल्दी से सूख भी जाता है और जब इसके ऊपर हम कलर्स करते हैं ना वो भी काफ़ी जल्दी सूख जाता है। ये मुझे तब रियलाइज़ हुआ जब मैंने कलर किया और कलर के बाद मुझे वार्निश करना था, तभी मैं मिरर वर्क कर सकती थी। तो मैंने एक ड्रॉप डाल के देखा वार्निश का कि कलर तो नहीं ब्लीड हो रहा, तो मुझे लगता है हाफ एन आवर या 40 मिनट्स में सारे कलर्स अच्छे से ड्राई हो गए थे और मैंने वार्निश यूज़ कर लिया। अदरवाइज़ वार्निश के लिए ना एक रात पूरा ही लाइक आपको छोड़ना पड़ता है, नहीं तो वो कलर ब्लीड कर जाते हैं, खास करके जो डार्क कलर्स होते हैं लाइक ब्लैक हो, रेड हो। तो ये एक मैंने आपके साथ शेयर किया। और हाँ, कौन से ब्रांड का है ये अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं लिंक शेयर कर दूँगी। और इसके ऊपर जो भी आपको आपके फेवरेट जो भी कलर्स हों उसके अकॉर्डिंग आप पेंट कर लो। तो मैंने कोई लाइट डार्क सा इस तरीके से कलर लिया है और ये सारे कलर्स मैंने मिक्स एंड मैच करके बनाया है। लाइक अभी सेंटर में आपने देखा मैंने डार्क कलर किया था, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तो फिर उसके ऊपर मैंने लाइट कलर किया था। और बैक पे भी मैं कलर कर रही हूँ पीछे, ताकि जब हम कहीं से हैंग करें, सपोज इसे आप अपनी गाड़ी में भी हैंग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा बन के आया है वो आपको दिखेगा। तो जब वो मूव करे तो पीछे वो MDF प्लेन ना दिखे, इसलिए मैंने पीछे भी कलर कर दिया है। और अब लगाएंगे इसके ऊपर मिरर। तो मेरे मिरर्स भी अब ख़त्म होने वाले हैं, बहुत थोड़े से बचे हैं और मुझे और भी ऐसे वाले लिपन आर्ट करने, लाइक ये दो साइज़ पे किया है मैंने और इसके अलावे एक और बड़ा सर्कल MDF रखा हुआ, मुझे उस पर भी बनाने हैं। बट मिरर्स बहुत सारे शेप के मेरे ख़त्म हो चुके हैं। तो प्लीज़ 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 अगर आप लोगों को कोई पता हो जो इंडिया से सप्लाई करते हों ऐसी चीज़ें, तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे ऐसे आर्ट मटीरियल्स चाहिए यहाँ पर। और उसके बाद जो भी आपके फेवरेट शेप हो, जो भी आप लगाना चाहते हो लगा सकते हैं इसके ऊपर मिरर। तो मैंने इस तरीके से इसे मिरर से डेकोरेट कर दिया। तो लिपन आर्ट में ना पूरा मिरर पे ही डिपेंड करता है ना कि आप मिरर किस तरीके से यूज़ करते हैं, किस डिज़ाइन में उसे यूज़ करते हैं, उस पे ही इसका फाइनल लुक आता है। तो जब मैंने इस पे भी जो कलर किया हुआ था आपने देखा था, वो बहुत अच्छा सा नहीं लग रहा था, लेकिन जब मिरर लगा तो ये इतना प्रिटी लग रहा था, बहुत ही सुंदर। उसके बाद मैंने कुछ सिमिलर कलर का वूल लिया है और उससे टैसल्स बना लिए हैं और लकीली मेरे पास कुछ बीड्स पड़े हुए थे तो वो मैं इसमें इसके कलर के अकॉर्डिंग इसमें लगा दिया है। तो आप बताना आपको कैसा लगा ये, मुझे बहुत ही प्रिटी, बहुत सुंदर लगा ये। और जिनको ये देने वाली हूँ शायद उनको भी बहुत पसंद आए, तो मैंने इस तरीके के बहुत सारे अभी बनाए हैं, मुझे बहुत प्रिटी लगा ये। और ये रहा इसका फाइनल लुक।
तो आप कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसा लगा ये डीआईवाई। नेक्स्ट अगेन ले रही हूँ सेम एक सर्कल और उसके ऊपर भी इस तरीके से जेसो लगा दिया है। और जेसो, ये जेसो मैंने बताया ना आपको, ये तुरंत ही ड्राई हो जाता है, तो जब तक आप थोड़ा दूसरा काम करोगे तब तक ये ड्राई हो जाएगा। और इस वाले सर्कल पे ना मैंने पहले ही लाइक जेसो करके रखा था और दूसरे DIY का जो कलर बचा था वो मैंने साइड पे कर दिया था, जो मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था, इतने अच्छे से आया नहीं। तो अभी मैं इसको चेंज करूँगी और अगेन लाइक सेंटर लेने के बाद इस तरीके से सर्कल के ऊपर मैंने क्ले लगा दिया है और क्ले सूखने के बाद क्ले के ऊपर भी पहले जेसो लगाऊंगी और बैक साइड पे भी इस तरीके से कलर कर दिया है। और फिर जैसा मैंने आपको बताया, जो पहले वाला कलर था वो उससे ही सिमिलर सा मैंने कलर बनाया और उसको प्रॉपर कलर कर दिया है। और कलर कॉम्बिनेशन आपके ऊपर है, आप जो कलर कॉम्बिनेशन रखना चाहते हैं रख सकते हैं। सेंटर में थोड़ा इस तरीके से रेड लगा दिया है तो ये काफी वाइब्रेंट सा बना था, बहुत ही प्रिटी इसका भी कलर आया हुआ था। ये बिल्कुल टिपिकल ट्रेडिशनल इंडियन वाला जो कोई भी आर्टवर्क होता है ना जिसमें येलो रेड ग्रीन यूज होते हैं ना, वैसे वाला ही है। और मिरर वर्क करने से पहले हमें वार्निश अप्लाई कर देना है, क्योंकि एक बार मिरर लगा देने के बाद फिर आपको वार्निश लगाने में प्रॉब्लम होगी और लग भी नहीं सकता, इतना स्पेस नहीं बचता कि फिर आप लगा पाओगे। तो बेटर है पहले हम वार्निश लगा लें एंड उसके बाद लगा लेंगे मिरर्स। तो मिरर भी यहाँ पर मेरे राउंड वाले मिरर छोटे वाले ख़त्म हो चुके हैं, उसकी जगह मैं ये बीड्स यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी टाइम से ये मेरे पास पड़े हुए थे, लाइक एम्ब्रॉयडरी वगैरह में यूज करने के लिए मैं लेकर आई थी। तो पहले तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं ये लगा के कैसा लगेगा, लेकिन लगने के बाद ये बहुत ही प्रिटी लग रहा था। अभी आप इसका जब फाइनल लुक होगा उसमें देखना और बताना आपको कैसा लगा ये। मुझे तो बहुत ही प्रिटी लग रहा था ये। पहले थोड़ा डाउट में थी मैं कि ये जो लगा रही हूँ मैं स्टोन, ये अच्छा लगेगा या नहीं, लेकिन ये मिरर के साथ बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। और फिर अगेन सेम इसमें भी मैंने वूल से टसल बना दिए और जो भी कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया उसके अकॉर्डिंग ये बीड्स लगा दिए हैं। तो ये बीड्स मुझे मैंने यहीं से लिया हुआ था, स्विट्ज़रलैंड में ही। मुझे ना जो भी आर्ट सप्लाइज में यूज़ करती हूँ इंडिया वाले वो यहाँ पर नहीं मिलते, उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जब मैं जाती हूँ तो वहाँ से चीज़ें लेकर आ पाती हूँ, इस बार मैं नहीं लेकर आ पाई, उसके वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो कोई भी सप्लायर हो प्लीज़ 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 मुझे ज़रूर से बताना कॉमेंट करके। तो ये थे आज के DIY, आपको कैसे लगे आप कॉमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।